प्रदेश में बजट सत्र से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बजट पूर्व परामर्श जारी है और इस दौरान प्रदेश भर से विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से सरकार की योजना, पिछड़े तबकों और कानून व्यवस्थाओं सहित दिव्यांगों को लेकर भी अनेक सुझाव दिए गए। इस दौरान बजट पूर्व सांसद संवाद कार्यक्रम में आए हुए प्रतिनिधियों से बातचीत की हमारे संवाददाता दिनेश कसाना ने। 27 जून से शुरू हो रहे बजट सत्र को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बजट पूर्व परामर्श बैठक कर रहे हैं। कल भी उन्होंने किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, विद्यार्थियों के साथ बैठकें की, उद्योगों घरानों के साथ, ताकि बजट को जनता के हित में कैसे बनाया जा सके। आज भी जो अनेक सोशल संगठन हैं उनके साथ मुख्यमंत्री ने, एनजीओज हैं उनके साथ बैठक की है और सुझाव भी लिए हैं। हमारे साथ हैं विभिन्न जिलों से जो संगठन, उनके पदाधिकारी हैं, वो आए हुए हैं। क्या कुछ आज इस बैठक में आपने सुझाव दिए हैं मुख्यमंत्री जी को? बैठक बजट पूर्व परामर्श जो आज बैठक थी, क्या कुछ सुझाव रहे हैं? राजस्थान के तमाम जिलों से अनेकों अनुभवी और बड़ी बड़ी संस्थाओं के जनहित के काम करने वाले महानुभाव आए हैं और बहुत गहराई से जनता की, आम जन की, जो कि दलित है, गरीब है, जिनको अनेक प्रकार की कुछ समस्याएँ हैं, उनकी बड़ी गहराई से समस्याएं साहब के सामने रखी माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने। सरकार की योजनाओं का समय समय पर मूल्यांकन किया जाए और उन योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट, बहुत अच्छा सुझाव यहां पर उन्होंने दिया। आपका किस संगठन से और क्या सुझाव आपका? मैं एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जिसका नाम एक्शन एड इंटरनेशनल है। हम 50-60 देशों में और भारत में 26 राज्यों में काम करते हैं। जयपुर में भी हम, राजस्थान में हम करीब 26-27 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करते हैं और करीब 15-16 साल से काम कर रहे हैं। अभी मैं केवल एक ही मुद्दे पर बात है कि घुमंतू जातियाँ हैं जिसमें 10-12% पॉपुलेशन है। ये घुमंतू जातियाँ हैं जो 1500 साल पहले यूरोप में चली गई, वहाँ इनको रोमा जिप्सी कहते हैं। आज भी वो यहाँ पे पूरी तरीके से बाहर हैं, उनको भी बराबरी का मौका मिले। सर ने हमारी बात सुनी है मुख्यमंत्री साहब ने और उम्मीद जताई है कि उनके लिए कुछ जरूर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद। तो महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर आपने एक मांग उठाई है, क्या मुख्यमंत्री जी का इस पर रेस्पॉन्स रहा? मुख्यमंत्री जी इसके लिए बहुत सकारात्मक सोच लिए हुए थे और मुझे लगता है कि ये संभव हो पाएगा। एक और बात जो हमने रखी थी वो थी बाल गृह और जो बालिका गृह हैं जो राज्य द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनकी स्थिति बहुत गड़बड़ है और उसके लिए हमने ये मांग की है कि कम्युनिटी मॉनिटरिंग और स्टीयरिंग कमेटी बनाई जाए जो कि जनता की ओर से बने और जो इन पर निगहबानी रखे, सलाह और सुझाव देता रहे समय समय पर। और इस तरह से ये जो बालिका गृह हैं ये वाकई में बच्चों के लिए, जो अनाथ बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा खुशहाल माहौल रहे और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों का ध्यान रखा जा सके। तो ये तमाम लोग जो आज प्रदेश के विभिन्न जिलों से पहुंचे हैं और बजट पूर्व परामर्श बैठक में मुख्यमंत्री के सामने अपने सुझाव रखे हैं, साथ ही चाहे प्रदेश की पिछड़ी जाति हो, चाहे बिगड़ती कानून व्यवस्था हो, चाहे सरकारी योजनाओं का अमली जामा पहनाने की बात हो, कितना लोगों को फायदा हो रहा है सरकार तक, तमाम इन बातों को आज इस बजट पूर्व परामर्श बैठक में इन लोगों ने पहुंचाया है। और इस बजट पूर्व परामर्श बैठक का उद्देश्य भी यही है ताकि सरकार को बजट पूर्व परामर्श बैठक में उचित सुझाव मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुनील शर्मा के साथ दिनेश कसाना, A1 TV, जयपुर। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।